हेलो फ्रेंड्स, मैं एक गुबडी का स्टूडेंट हूँ। आरआरबी कोलकाता से फिलअप किया है। 2019 को फॉर्म आया था, आप लोग सभी जानते हो, लेकिन 3 इयर्स हो गया, अभी तक एग्जाम डेट रेलवे वाले घोषित नहीं किए। कब तक चलेगा ऐसा कब तक चलेगा? काफी हालात खराब हो चुकी है काफी स्टूडेंट का, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट का हालत काफी खराब हो चुकी है। मैं मेरे ही बात करना चाहता हूँ। मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन काफी डाउन हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से तो सबकी डाउन हो चुकी है, मेरी काफी डाउन हो गई है। मैंने सोचा था कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम देके नॉन गवर्नमेंट जॉब में जॉब करूंगा, लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, नॉन गवर्नमेंट जॉब करने के बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे पढ़ने को, तो रेलवे वालों प्लीज जल्दी से जल्दी एग्जाम डेट दो। लेकिन मेरा मतलब है कि एग्जाम डेट आएगा, रिक्रूटमेंट होगा, 2-3 साल लग जाएंगे। एग्जाम देने के बाद कुछ ना कुछ नॉन गवर्नमेंट करना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, काफी टाइम से सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रेलवे वालों एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम डेट अभी तक घोषित नहीं किया है। एसएससी वालों ने कंटिन्यू शेड्यूल दिया जा रहा है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी वालों अभी तक कोई शेड्यूल नहीं दिया है। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है? एक कंप्यूटर एग्जाम करने में इतना टाइम लगता है, 3 इयर्स हो गए। प्लीज हमारी तकलीफ को सोचो और प्लीज एग्जाम डेट दो। एग्जाम नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम होने के बाद मैं नॉन गवर्नमेंट का अप्लाई करूंगा, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि एग्जाम इतना मेहनत किया एक एग्जाम के लिए, अभी तक डेट नहीं दिया तो ना उधर जा पा रहा हूँ, कुछ नॉन गवर्नमेंट ट्राई कर पा रहा हूँ या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ। प्लीज एग्जाम डेट दो, प्लीज ग्रुप डी वालों एग्जाम डेट दो। इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, प्लीज एग्जाम डेट दो। हमारी काबिलियत पर एग्जाम कराओ, प्लीज एग्जाम डेट दो। से बुलडाना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। 2018 से ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था। मेरा नाम अनिल शगुबार है। मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट इस भारत में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। 2018 की वैकेंसी है, 2021 चल रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं एग्ज़ाम लेने का। वो भी NTPC का एग्ज़ाम लिया था, उसका CBT बोर्ड का रिजल्ट पेंडिंग है। सरकार को सिर्फ इलेक्शन का वोटिंग और रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करते हैं। कुछ विद्यार्थियों की समस्या भी जानिए।